चिमारू मूवी से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुस्वाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। ये हैं वो बेचारे बेघर और लाचार हजारों इंसान जो जंग का शिकार होकर अमन और पनाह की तलाश में सहमे हुए एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी इन्हें तलाश तो है मगर जानते नहीं कि वो मंजिल कहाँ है किधर है। इस भयानक जंगल में ये अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं मगर इन्हें क्या मालूम कि इंसानी दहशत का हाथ यहां भी इन्हें दबोच सकता है। के मासूम बच्चे के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि इंसान इंसान की बर्बादी पर क्यों तुला हुआ है। आखिर ये जंग क्यों किस लिए Thank you.
तेरी ही ममता और दया का दान है कि मेरा वचन पूरा हो गया। मैं डॉक्टर बन गया मां। एक समय वो था कि मैं लाख तड़पा किया और तुझे ना बचा सका, और एक समय ये है कि अपने तो अपने और गैरों को भी अपनी जान देकर बचाने का इरादा दिल में लेकर तेरे सामने खड़ा हूं। मां जी, यहां से आगे जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है, ये मैं जानता हूं। तुम अपनी नेकियों का सहारा देती रहोगी ना, मैं भी कितना मूर्ख हूं अपनी ही मां से ये सवाल पूछ रहा हूं। अरे कौन तुम दा उरे बाबा, ये ग्रैंड सक्सेस, कांग्रेचुलेशन। अरे इंडिया को संसार का टॉप में बिठा दिया तुमने। नमस्कार माँ बाबू। अरे की छेले तुम्हारे,
মেডিকেল সায়েন্সের কি বলছি, আরে নেবে নি কে মারে पागल। अरे फेल तो हमारा बाप हुआ है सरदार भाई, जो कोलकाता से एक एक माह से 40 pounds हमको भेजता है। अरे हम तो जान बूझ के पास नहीं हुआ, यदि हम पास हो जाता तो तुम्हारे साथ भारत चलना पड़ता, और फिर हमारा माथा डार्लिंग से जो लव अफेयर चलता है ना 2 बरस से, तुम्हारा बाप चलाता। अच्छा मुझे पार्टी को भी होगा, पार्टी 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 होगा। अरे होगा कैसे नहीं, निश्चय ही होगा, तुम्हारा पास होने का खुशी में और अमर फेल होने का खुशी। One whiskey, please. Thank you. When are you going back to India? Next week. All the better. Thank you. What you'll have, dear? I think I'll have a champagne, please. One champagne, please. रात्र जो पार्टी हुआ ना, एक के बारे स्मेल, और हीट ऑफ द सीजन। हाँ, तो तुम चला जाएगा, फिर हमको ऐसा पार्टी कौन देगा? अरे ऐसी भी क्या बात है बंचूदा, एक बात बोलो। बोल भाई। तुम कितना लक्की मानुस है, अरे इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री, और भारत में अपर क्लास रिच फादर। रेड कार्पेट वेलकम, लवली वाइफ, लवली कार, लवली बैंगलोर। उरे बाबा की फ्यूचर, एक दिन तुम भारत देश का सबसे अमीर आदमी बनेगा। जाओ पंचू,
एक सपना है जो जाने कितने बरसों से मैंने अपनी आंखों में सजा रखा है। अगर वो पूरा हो गया मेरे भाई तो भारत क्या, एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर एक ही चिंता है, मेरे पिताजी के दिल पे न जाने क्या गुजरेगी। गुड मॉर्निंग हैंडसम। गुड मॉर्निंग मैम। इट्स अ लेटर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ इज द वेदर आउटसाइड? इट्स अ लवली डे। थैंक यू। ए पंचू, देख मुझे किसने बुलाया। इंग्लैंड छोड़ने से पहले ये तीर्थ यात्रा भी कर सकूंगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे बाबा, लॉर्ड बर्टन रसल का चिट्ठी, तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाया है खोखा? हाँ पंचू हाँ, पूरे दो बरस से इस कोशिश में था कि इस महापुरुष के दर्शन हो जाए। अरे ए महापुरुष, संसार का एकमात्र आशा, अंधकार में सूर्य देवता की ओनर, वाह। Thank you very much, sir. I have been a medical student here in England for the last 4 years. And all these years, I've been going through your teachings, statements, and writings on world peace and against atomic war. And in fact, your thoughts have shaped the philosophy of my life, sir. नौजवान डॉक्टर गौतम ने लॉर्ड बर्टन रसल से कहा, मैं एटम बम के खिलाफ और दुनिया में अमन के हक में आपके विचार पढ़ और सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूं, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अपने देश जाने के बजाय मैं जापान जाकर उन बदनसीब हजारों मरीजों की सेवा करूं जो एटम बम का शिकार होकर लाइलाज और भयानक बीमारियों में मुब्तिला हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सका तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। इस काम को कंधे पर उठाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। Well, I have the very greatest admiration and approval of your project. I hope with all my heart that you will be successful in finding a cure. The matter is of immense importance, not only to yourself or to Japan or to the victims, the previous victims. It is of immense importance to the whole world, and I do most profoundly hope that you will succeed in finding a cure, which medical men hitherto have not succeeded in. और शांति के नेता लॉर्ड रसल ने डॉक्टर गौतम को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये समस्या सारी दुनिया की समस्या है, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसमें कामयाब होगे। मैं तुम्हारे विचारों का मान करता हूं। तुम्हारा काम एक महान महत्व रखता है, और मैं आशा करता हूं कि दुनिया के सारे देश तुम्हारे इस कठिन काम की सराहना करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ऑनर्ड, आई एम एनकरेज्ड। जुदाई का दर्द यहाँ नहीं, यहाँ है बेटा। कैसे हो बोले काका? अच्छा हूँ छोटे बाबू, तुम कैसे बेटे? आप कैसे पिताजी? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो कौन है। ऐसे लगता है जैसे कह रहे हैं
मुद्दत के बाद इस सुनसान घर में जिंदगी लौट आई। जानते हो गौतम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप को किस कदर मसरूफ रखा। दिन भर कोर्ट की बिजी लाइफ, शाम को क्लब में कभी टेनिस, कभी बिलियर्ड, कभी कॉकटेल पार्टी। फिर भी ना जाने क्यों मैंने अपने आप को हमेशा तन्हा पाया। और गौतम, इसी तन्हाई ने मुझे महसूस कराया कि इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जब बेटे से प्यारा दोस्त उसका कोई नहीं होता। थैंक यू सर। अरे सिगरेट तो गाड़ी में फूला। मैं ले आता हूं। इतने कंजूस ना बनो डॉक्टर बाबू। भला आपको कैसे मालूम होगा कि मेरी जेब में सिगरेट की? अरे भाई, एक वकील की निगाह से केस कैसे छुप सकता है, चाहे वो सिगरेट केस ही क्यों ना हो। बेटे, जिस दिन तुम्हारा वापस आने का केबल मिला उसी दिन हमने वकालत को हमेशा के लिए गुड बाई कर दी। क्यों पिताजी? मेरे नाम पैसा बहुत कमा लिया, अदालतों की खाक छानते छानते बाल सफेद कर लिए, अब ऊपर वाले की अदालत में पेश होने का भी तो कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अब ये सब तुम संभालो। लो घर की चाबियां। जी आई एम सॉरी, ये तो तुम्हारी माँ की अमानत है जो मैं अपनी बहू को सौंपूंगा। बेटे, अब हमारा ये चाव भी पूरा कर ही दो। पिताजी, मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब? मेरे दिलो दिमाग में एक ऐसी शादी छाई है पिताजी, जो आज से बरसों पहले रचाई गई थी। गौतम, साफ साफ कहो, पहेलियां ना बुझवाओ। आपको भी याद होगा पिताजी, वो शादी 6 अगस्त सन 45 की सुबह 8:15 जापान के बदनसीब शहर हिरोशिमा की धरती पर रचाई गई थी। शैतान के रूप में एटम बम ने दूल्हा बनकर इंसानियत की मौत से भी रचाया था। उस जश्न में नाच भी हुआ था, वहशत का नंगा नाच। आतिशबाजियां भी फूटी थी, जिसकी रोशनी जिन जिन आंखों के साथ टकराई उनके सामने हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। उसी शादी की सुहागरात आज भी खत्म नहीं हुई पिताजी, आज भी खत्म नहीं हुई। गौतम। हाँ पिताजी, और उस आतिशबाजी की चिंगारियां आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के सीने में सुलग रही हैं। खुश नसीब थे वो लाखों इंसान जिन्हें मौत की गोद में पनाह मिली, बदनसीब हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी ने तो ठुकरा दिया मगर मौत भी गले नहीं लगा रही। आज भी लाइलाज और भयानक बीमारी में मुब्तला होकर इंसानी दिमाग को दुआएं दे रहे हैं। पिताजी, पिताजी मैं समझता हूं कि उनका दुख, उनका दर्द इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और तुम इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहते हो? जी पिताजी। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या जापान में डॉक्टरों की कमी है जो तुम फिर परदेश लौट जाना चाहते? ये देश और परदेश की हदबंदियां तो इंसान की बनाई हुई है पिताजी, वरना दुनिया इस समय इतनी छोटी हो गई है कि एक शहर मालूम होती है और दुनिया का हर मुल्क इसी शहर का एक गली मोहल्ला। वो तो मैं मानता हूं, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जापान में डॉक्टर नहीं है, या उन्हें अपने भाइयों से हमदर्दी नहीं है, या वो अपना काम नहीं जानते? ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। क्या बात है बेटे? लेकिन आप इसे सिर्फ जापान ही का दर्द क्यों समझते हैं? कल जो कुछ भी जापान में हुआ वो आज यहां भी तो हो सकता है, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकता है। ये तो हर इंसान का दर्द है पिताजी, और अगर इस दर्द को अपनाया ना गया तो वो दिन दूर नहीं जब एक मां अपने बच्चे के लिए लंबी उम्र की दुआ को बददुआ समझेगी और दुआ देने वाले से कहेगी, क्यों रे
इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुझे तड़प तड़प के जीने के लिए लंबी उम्र की दुआ दे रहा है। तो ठीक है, लेकिन इतने बरस गुजरने पर भी अगर हजारों डॉक्टर इसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके तो तुम क्या कर सकते हो? पिताजी, समुंदर में गोता तो बहुत लोग लगाते हैं मगर मोती किसी किसी के हाथ आता है। कोई बड़ी बात तो नहीं किस कामयाबी का सिरा आप ही के बेटे के सर पर हो। गौतम, अगर नाकामी का सामना हुआ तो? ये आप कह रहे हैं पिताजी? आपने तो मुझे गीता का उपदेश सिखाया है कि नतीजे को भगवान पर छोड़कर इंसान को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए जापान जाने का फैसला मैंने इंग्लैंड में कर लिया था। मेरा जापान जाना बहुत जरूरी है पिताजी। फिर यहां वापस आने की जरूरत क्या थी? सीधे इंग्लैंड से ही जापान चले जाते हैं पिताजी। जिस बाप ने अपनी जिंदगी की तमाम दिलचस्पियों से मुंह फेर कर सिर्फ तुम्हें ही अपनी दुनिया समझा, क्या उसकी तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? तो अपने दिल से पूछ कर जवाब दो, मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर और किसका हक हो सकता है? माफ कीजिए पिताजी, माली फूल को जन्म जरूर देता है मगर उसकी खुशबू को मुट्ठी में बंद नहीं करता। एक डॉक्टर की हैसियत से मुझ पर एक दुश्मन का भी उतना ही हक है जितना कि आपका। लेकिन मैं एक बाप की हैसियत से तुमसे पूछता हूँ, जिस पौधे को मैंने अपने खून जिगर से सींच सींच कर बड़ा किया, उसके फूलने फलने पर कि उसकी छांव में बैठने का मुझे कोई हक नहीं? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बाप की बूढ़ी आंखें तुम्हारी सूरत को तरस तरस का आंसू बहाती रहे? जो ख्वाब मैंने देखे थे सब मिट्टी में मिल जाए, मैं इस घर में कोई रौनक न देखूं। गलत मत समझिए पिताजी, काश मैं आपको बता सकता कि खुद मुझे आपसे दूर रहकर कितना दुख होगा मगर मैं मजबूर हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भी नाराज हूं लेकिन तुमसे नहीं, अपने आप से। मैंने तुम्हारी ऊंची उड़ान के परों में पत्थर बांधने की कोशिश की। प्यार ने थोड़ी देर के लिए मुझे खुद गलत बना दिया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। फ्लाइट सुबह 9 बजे। आप सचमुच देवता हैं पिताजी। देवता नहीं, देवते का बाप। Your attention please. All passengers traveling by Air India Flight 105 to Bangkok, Hong Kong and Tokyo are requested to report to the customs. अच्छा पिताजी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो अर्थी उठाने वाले 4 कंधों में से 1 कंधा तुम्हारा होगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम पे बोझ डालने की सोच रहा था। बोझ? Thank you.
ये है आपका छलने का जगह मसाला डाल के। वेरी गुड। अभी आप अलार्म कीजिए, अस्पताल पहुंचने के लिए ठीक 3 बजे आपको गाली भेज दिया जाएगा। थैंक यू। डोम डोम। आइए सर, चलिए चलिए अंदर, चलिए चलिए चलिए। Dr. Gautam, welcome, welcome. I'm Dr. Watanabe. Pleased to meet you. Meet Dr. Nihongi. Hello. This is Dr. Tanaka. Hello. Dr. Ishii. Hello. आइए मैं आपको आपका ऑफिस दिखाऊं। Excuse me, doctor. मैं सबसे पहले उन मरीजों को देखना चाहूंगा जिन्हें मैं बरसों से जानता हूं, अगर कभी देखा नहीं। हाय हाय। थैंक यू। प्लीज कम। डॉक्टर, हमारे हॉस्पिटल में कुल कितने पेशेंट होंगे? 500 के लगभग। और आउट पेशेंट? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 300। दिस साइड प्लीज। थैंक यू। हीरो को, ये है हमारे इंडियाना दोस्त डॉक्टर गौतम, जिनका हमें बेताबी से इंतजार था। आपको होगा, मुझे तो मौत के सिवा किसी का इंतजार नहीं। ऐसा नहीं कहते, कुदरत ने आपको खूबसूरत चेहरा बख्शा है, इन खूबसूरत होंठों पर निराशा की बात अच्छी नहीं लगती। खूबसूरत चेहरा, मगर इस खूबसूरत चेहरे से जरा ऊपर इस खूबसूरत पेशानी को भी देखो डॉक्टर, जिस पर लिखा है तुम लाख कोशिश कर लो, लाख सर पटक लो, मगर हीरो को बच नहीं सकती, उसके खून में जहर घुल चुका है। मुझे कैंसर है डॉक्टर, कैंसर। तो क्या हुआ, हम इसका इलाज करेंगे। इलाज? इसमें हंसने की क्या बात है? जब आंसू खत्म हो जाते हैं डॉक्टर, तो रोने का काम हंसी से लेना पड़ता है। जब मुझसे पहली बार किसी डॉक्टर ने कहा था हीरो को तुम्हारा इलाज हो सकता है, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मगर अब ये अल्फाज मेरे जिस्म की तरह खोखले हो चुके हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो डॉक्टर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। युकिको, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिस्तर से मत उठा करो? 10 बार। ओह स्वीट, आप कौन हैं? बेटा ये हमारे इंडियानो डॉक्टर गौतम है। ओह इंडियानो डॉक्टर, कुम बाबा। कुम बाबा, व्हाट्स योर केस डॉक्टर? इट इज अ इनडायरेक्ट केस ऑफ रेडिएशन बाय बर्थ। नहीं नहीं डॉक्टर अंकल, मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, भला मुझे इतनी लंबी बीमारी कैसे लग सकती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये लोग
मुझे खेलने नहीं देते, चलने फिरने नहीं देते, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मुझे देख लीजिए ना। हाँ बेटे, मैं आज ही तुम्हें एग्जामिन करूंगा। अगर मैं एग्जामिनेशन में पास हो गई तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना? हाँ बेटे, जरूर मिल जाएगी। हाउ स्वीट डॉक्टर अंकल। ऐसे नहीं, नहीं नहीं डॉक्टर अंकल, सब लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं किसी को प्यार नहीं कर सकती। डॉक्टर, बम के धमाके की आवाज वो आखिरी आवाज थी जो उसके कानों ने सुनी, और ये गरीब हमेशा के लिए बहरी होगी। भला आपके ख्याल में कितनी उम्र होगी इसकी? यही कुछ 60-65 साल? नहीं डॉक्टर, इसकी उम्र 40 बरस से ज्यादा नहीं। 40 बरस? हाँ डॉक्टर, एटम बम गिरने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर इसकी जिंदगी के 20 साल न जाने कहां गायब हो गए, और इसकी ये हालत हो गई। मेरी सेहत वापस आ जाएगी? लेकिन इसे कौन वापस लाएगा? मिस्टर हमादा? यस डॉक्टर। मैं मुआयने के लिए नहीं बल्कि इंडियाना डॉक्टर गौतम को आपसे मिलाने के लिए आया। गौतम, कितना प्यारा नाम है गौतम। आज से हजारों साल पहले एक गौतम ने हमारी दुखी आत्माओं को शांति का अमृत पिलाया था, और मेरा मन कहता है कि इस गौतम के हाथ से हमारे दुखी शरीरों को नया जीवन मिलेगा। काश मैंने देख सकता। इनकी आंखों को क्या हुआ डॉक्टर? मैं बताता हूं डॉक्टर, उस कयामत की सुबह मैं नाइट ड्यूटी के बाद घर आ रहा था कि अचानक मेरी आंखों ने एक ऐसी रोशनी देखी जिसके बाद मेरे सामने हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। मैं कितना बदनसीब हूं डॉक्टर कि मैं अपनी मां
बीवी और मासूम बच्चों को, बाप दादा के मकान और प्यारे हिरोशिमा को बर्बाद होते न देख सका। अगर देख लेता तो कम से कम यकीन हो जाता कि सुना है डॉक्टर, हिरोशिमा की उस भयानक बर्बादी पर एक बहुत ही खूबसूरत आबादी बन चुकी है। हो सके तो मुझे 5 मिनट के लिए आंखें दे दो डॉक्टर। मैं ये देखना चाहता हूं कि बर्बादी पर आबादी कैसे बनती है। पागल कहीं का एक अंधे से आंखों की भीख मांग रहा है। खुराता सब। अरे गलत क्या कहा है मैंने? तू आंखों का अंधा है तो ये अकल का अंधा है जो यहाँ मुर्दों का इलाज करने चला है। मिस हिरोको के फादर है, इनकी बात का बुरा मत मानिए। बेचारे एक जमाने में फिलोसफी के प्रोफेसर और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। अब हालात ने इन्हें दिल जला बना दिया है और कुछ दिनों से इन्हें एक अजीब बीमारी लग गई। भूख बिल्कुल नहीं लगती, ना जाने जिंदा कैसे है। गुड आफ्टरनून मिस्टर कुराता। तुमसे मिलकर बहुत दुख हुआ है डॉक्टर जी। मैं तो ये समझा था कि तो बूढ़ा खूसर जिंदगी के सब मजे लूटने के बाद अपनी बड़ाई का झंडा गाड़ने आ रहा है, मगर तुम्हारी खूबसूरत जवानी को देखकर तो तड़प आता है। क्या खरीदने आए हो इस मौत के बाजार में? जिंदगी? डॉक्टर, मुर्दों से जिंदगी नहीं मिला करती। चले जाओ यहां से। ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? आखिर आप लोगों ने अब तक कौन सा तीर मार लिया जो ये अपनी लियाकत आजमाने तशरीफ लाए हैं? नौजवान, हम लोगों का अब एक ही इलाज है, मौत। मिस्टर कुराता, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये किताबी बातें तो मैं बरसों पढ़ा चुका हूँ डॉक्टर। बहुत फरेब खाए हैं मैंने उम्मीद के, अब बड़ी मुश्किल से नाउम्मीदी ने गले लगाया है। फिर से उम्मीद का रोग ना लगा देना डॉक्टर। मिस्टर कुराता, मैं रोग लगाने नहीं, रोग मिटाने आया हूँ। ना जाने भगवान कभी कभी अपने बंदों पर ऐसा जुल्म कैसे गवारा कर लेता है। खबरदार जो भगवान की शान में ऐसी गुस्ताखी की। भगवान से बढ़कर इंसान का और किसे ख्याल हो सकता है? अब मुझे को देखो, एटम बम के हादसे ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। जानते हो भगवान ने क्या सोचा? उसने सोचा कि बुढ़ापे में इसे कमा कर कौन खिलाएगा। उसने मेरी भूख ही मिटा दी। क्या कह रहे हैं तेरे भगवान, तू बड़ी दूर की सोचता है, बड़ी दूर की सोचता है। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ मुझे अपने इलाज की इजाजत दीजिए। डॉक्टर, अगर इलाज का इतना ही शौक है तो जाओ और जाकर पहले उन शैतानी दिमागों का इलाज करो जिन्होंने एटम बम बनाकर इंसानियत के मुंह पर थूका है। चल चल चल। Thank you.
क्या है? किस्मत की पर्ची है, आप भी अपनी किस्मत मालूम कीजिए। दम अजीब इत्तेफाक है। ठहरिए, लीजिए अपनी तकदीर। जी मेरी नहीं, आपकी। चलिए ना, आपकी ना मेरी, हमारी। जन्म जन्म के साथी से आज एक अजनबी की रूप में मुलाकात होगी। हमारे हॉस्पिटल के फाउंडर मिस्टर अकीरा ने आज आपको डिनर पर बुलाया है। जी मुझे? उन्हें आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है और आज आप रात को ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाइए। थैंक यू डॉक्टर। अजीब इत्तेफाक है, मुझे डॉक्टर गौतम कहते हैं। मिनोटा जी, तो ये पेंटिंग आपकी कला का नमूना है। ब्यूटीफुल, मार्वलस। डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर अकीरा जी आइए। Dr. Gautam Nagar. Ah. Good evening, sir. Good evening. I'm very happy to meet you, doctor. Thank you, sir. Won't you please sit down? I am sorry, doctor. मैं आपके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आ सका। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर अकीरा। मेरे लिए इज्जत का कम है कि आपने मुझे याद फरमाया। हाँ तो कहिए, आपको हमारा हॉस्पिटल कैसा पसंद आया? जी मेरे ख्याल में आपने अपने फर्ज में कोई कमी उठा नहीं रखी। अब तो हमारे इम्तिहान का वक्त है, बस दुआ कीजिए कि हम कामयाब हो जाएं। मैं तो उस दिन को कामयाबी का दिन समझूंगा जिस दिन के ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। जी यस डॉक्टर, मुझे उस दिन का इंतजार है जबकि इस हॉस्पिटल के सब मरीज तंदुरुस्त होकर घर चले जाएंगे और फिर इंसानियत को इस हॉस्पिटल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने अच्छे विचार हैं आपके मिस्टर अकीरा। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपको ये हॉस्पिटल बनाने का ख्याल कैसे आया? ये हॉस्पिटल मेरी मां की याद में बनाया है जो हिरोशिमा की तबाही में चल बसी। ओह आई एम सॉरी।
आप तो जानते ही हैं डॉक्टर, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद उसका इलाज नहीं हो सका। होता भी कैसे, इस कमबख्त बीमारी का तो इलाज था ही नहीं। और फिर उसके बाद इस बेचारी बिन मां की बच्ची की हालत मुझे देखी नहीं जाती थी, और मन की शांति की खोज में मैं इस मासूम को लेकर दुनिया भर में घूमता फिरा। वो फिर शांति मिली तो आपके देश में, जहां शांति के अवतार गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, और मिनोड़ा ने जब गुरुदेव टैगोर के शांति निकेतन को देखा तो सब कुछ भूलकर वहीं क्यों रह गई, वहीं पढ़ लिखकर बड़ी हुई। आप समझा, वरना एक जापानी लड़की को हिंदुस्तानी लिबास में देखकर मैं तो हैरान रह गया था। लिबास ही नहीं, ये वहां से और भी बहुत कुछ लाई है जी। वहां की सभ्यता, वहां की कला, वहां का संगीत, भारतीय संगीत जी। भारतीय संगीत की तो लाइब्रेरी है मेरे पास। हाँ, कुछ सुनाओ ना इन्हें बेटी, यू बी फील एट होम। किसको सुनेंगे आप? अजीब, टैगोर संगीत, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान या केएल साइगल? अगर आपको कोई इतराज ना हो तो इस हफ्ते भारतीय संगीत मिस मनोड़ा की जबान से सुनूंगा। यू कॉट हर, अब तो सुनाना ही पड़ेगा। ओह डैडी, प्लीज मिस मनोड़ा। कौन सा गाना सुनाऊं? वो जो अक्सर मैं सुना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अब टू यू सर प्लीज। Thank you.
God bless you. यकीन मानिए मिस मेलोडा, आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। हाय। डिनर तैयार। चलिए डॉक्टर। थैंक यू सर। आइए। ओके मिस मेलोडा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इवनिंग। Good night. हमको आपका थैंक यू मंजूर है, अगर इनको इतलाज ना हो तो। गुड मॉर्निंग मिनोटा। मुशी मुशी। यस, मे आई स्पीक टू डॉक्टर गौतम प्लीज। डॉक्टर गौतम तो अभी अभी मोरनीची स्टेशन गए हैं। स्टेशन? जी हाँ, वो आज 5:30 की ट्रेन से हिरोशिमा जा रहे हैं। ओह आई सी, थैंक यू। हिरोशिमा? आप कहाँ जा रहे हैं? आप हिरोशिमा। और आप? हिरोशिमा। अजीब इत्तेफाक। जी नहीं, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, बार बार नहीं। तो आप इसे क्या कहेंगे? जब अनजाने में दो अजनबी बार बार मिले तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का कोई खास मकसद कहूंगी। तो क्या तकदीर पर्ची में कुछ ऐसा ही लिखा था? आप भी तो जानते हैं। नहीं तो? नहीं तो क्या आपने पर्ची किसी से पढ़वाई नहीं? जी नहीं। क्यों? दरअसल मुझे ऐसी बातों में ज्यादा विश्वास नहीं। हो सकता है, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि पर्ची का लिखा आज तक गलत साबित नहीं हुआ। सच? तो फिर बताइए ना क्या लिखा था उसमें। जब आपको विश्वास आ जाएगा तो बता दूं। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें विश्वास आ गया। जिंदगी की बात खूबसूरत सच्चाइयों को जानने के लिए थोड़ी देर का विश्वास काफी नहीं होता डॉक्टर साहब। Thank you.
बाद हिरोशिमा की तस्वीर देख लो। इंसान की सबसे बड़ी तकसीर देख लो। इस एटमी बला का है पहला शिकार हम। रंगे बहार थे कभी अब हैं गुबार हम। इंसान के इस गुनाह से आकाश झुक गया था वक्त जिस जगह पे बस वहीं पे रुक गया। ये हाथ कटे पांव कटे झूलते ढांचे में हम जैसे इंसान ढले थे। माँ की मुस्कुराती गोद खाली हो गई। पूनम रात भी सुना है काली हो गई। कहती है हिरोशिमा की बस्ती पुकार के गुजरो ना तुम मैं गुजरी हूँ जिस रहे गुजार से। जमाने का इंकलाब देखिए, आज जहां सांपों का डेरा है, कभी यहां हमारा घर था, हिरोशिमा की इस बस्ती का सबसे खूबसूरत घर। वो दिन तुम्हें याद है मिनोटा? वो दिन कौन भूल सकता है। मुझे याद है मैं 4 बरस की थी। डैडी सुबह सुबह मुझे गोल्फ क्लब ले गए थे, मुझे गोल्फ खेलना सिखा रहे थे।
मैं बहुत खुश थी। अचानक न जाने क्या हुआ, एक जोर का धमाका। और जब हम घर पहुंचे तो माँ को बुरी तरह से जख्मी पाया, यहां तक कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उसके बाद जब माँ ने दुख उठाए, मैं वो पता नहीं सकती। जिंदगी उनके लिए एक सजा बन गई थी। यहां तक कि मैंने कई बार डैडी को उनके लिए मौत की दुआ मांगते तक देखा। धीरज रखो मनोडा, और जो हुआ उसे भूल जाने की कोशिश करो। कैसे भूल जाऊं, काश मैं माँ के साथ मर गई होती। ऐसा नहीं कहते मनोडा, ऐसा नहीं कहते। जरा सोचो तो, अगर हम सब लोग मरने वालों के गम को अपनी जिंदगी का रोग बना ले तो ये हंसती खेलती दुनिया न जाने किसी दिन गुजर कर रह जाए। मनोडा, गुजरा हुआ वक्त मौत के अंधेरे में खो चुका है और उसी अंधेरे ने एक नई रोशनी को जन्म दिया है, एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। हम जिंदा हैं मनोडा, हम जिंदा हैं। और आज जो लोग जिंदा हैं उन्हीं तो जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, सारी धरती को खूबसूरत बनाना है। देखो मनोडा, इन परिंदों को देखो, हमें तो इनसे भी सबक सीखना चाहिए। किस तरह वीरानी में अपना घर बनाकर हमें जिंदगी का पैगाम दे रहे हैं। और मनोडा, बीते दिनों की याद में खो जाने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी नाम है आज के हालात और आने वाले कल की उमंगों में खो जाने का। गौतम, आप ठीक है? मैं आज तक बीते दिनों के अंधेरे में खोई हुई हूँ। मुझे इन अंधेरों से निकाल लो गौतम। मनोडा, मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अक्सर मन की शांति के लिए भगवान बुद्ध के मंदिर में जाया करती हूँ, और एक दिन उन्होंने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया गौतम। मनोडा। हाँ गौतम, तस्वीर की बच्ची का लिखा बिल्कुल ठीक था। तुम ही मेरी तलाश हो, तुम ही मेरी मंजिल। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती गौतम। अनोडा, मैं जानता हूं कल मेरी वजह से तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस लगी, लेकिन यकीन मानो ठेस तुम्हें लगी और उसका दर्द तमाम रात मुझे तड़पाता रहा। मैं अपनी मंजिल की धुन में इस हकीकत से बेखबर रहा कि जिंदगी के सफर में एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां किसी हम सफर के बगैर मंजिल तक पहुंचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। मैं ये महसूस करता हूं कि मेरी जिंदगी में वो मकाम आ गया है मनोडा, और ये भी महसूस करता हूं चमन में इख्तलाते रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम हैं, क्या हम हैं? तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? Thank you.
हुस्न परी चेहरा, है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो, है हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। शबनम के दिल की धड़कन महसूस कर रही हो, शबनम के दिल की धड़कन महसूस कर रही हो, तुम कितनी नरम दिल हो, आहें भर रही हो, तुम कितनी नरम दिल हो, आहें से भर रही हो, ऐ हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। करता नहीं किसी का इतना ख्याल, कोई करता नहीं किसी का, तुमने बदल दिया है रुख मेरी जिंदगी का, तुमने बदल दिया है रुख मेरी जिंदगी का, ऐ हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। था पास मेरे लेकिन न ये खुशी थी, सब कुछ था पास मेरे लेकिन न ये खुशी थी, पूरी हुई है तुमसे जीवन में जो कमी थी, पूरी हुई है तुमसे जीवन में जो कमी थी, ऐ हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो, ऐ हुस्न परी चेहरा, क्यों इतनी दर्द मंद हो दुनिया की मंजिलों पर, तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। मैं और इंजेक्शन नहीं लूंगी, मैं और इंजेक्शन नहीं लूंगी। तुम्हें इस इंजेक्शन से आराम मिलेगा? मुझे आराम नहीं डॉक्टर, मुझे मौत चाहिए, मौत। मुझ पे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर, मुझे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। Hiroto!
तुमने क्या किया हीरो को? डॉक्टर, डॉक्टर अरेंज कर दिया ऑपरेशन। यस डॉक्टर। रहने दो डॉक्टर, रहने दो। जिंदगी मेरे लिए मौत बन चुकी थी और अब जब मौत जिंदगी बन कर आई है तो तुम उसके रास्ते में आना चाहते हो ना डॉक्टर ना नर्स? ठीक प्लीज। चली गई। तुम कितनी अच्छी हो बेटी, अपने बूढ़े बाप पर जरा भी बोझ नहीं डाला। सुखी रहो बच्ची, सुखी रहो। डॉक्टर, मैं समझता था कि हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, मगर आज उसका इलाज मिल गया है डॉक्टर, आज उसका इलाज मिल गया है। अब तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? जाओ अपने मुल्क वापस चले जाओ डॉक्टर, हम अपना इलाज खुद कर लेंगे, हम अपना इलाज खुद कर लेंगे। हमारी मेहनत कामयाब। हार्दिक कांग्रेस डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे आपको तो बुखार है। डोंट वरी डॉक्टर, बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी। आई मस्ट इन्फॉर्म डॉक्टर जॉनसन। डोंट बॉदर डॉक्टर, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज
Dr. Johnson, what do you think? Nothing serious. Complete exhaustion. He should take complete rest for about a fortnight. Gautam, relax. Thank you, Doctor. देखा, सुन लिया ना? मैंने क्या कहा था? काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। डॉक्टर गौतम, मेरे ख्याल में आपको हॉस्पिटल का ख्याल छोड़कर आज ही किसी हिल स्टेशन चले जाना चाहिए। मगर डॉक्टर वतनाबे, आप लोग खामखा मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक। और फिर आप जानते हैं, मुझे अपनी नई दवाई का कल एक्सपेरिमेंट भी करना है। दवा तो आप तैयार कर चुके हैं, तजुर्बा हम भी कर सकते हैं, और फिर नतीजा मालूम होने में कुछ वक्त भी तो लगेगा। आप जहाँ भी होंगे आपको डेली रिपोर्ट पहुंचती रहेगी। डॉक्टर वतनाबे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, मैं अस्पताल छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर वतनाबे, जहां तक मेरा ख्याल है, अपने हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक कोई बीमार डॉक्टर तो ड्यूटी नहीं दे सकता। यस सर, यू आर राइट सर। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर गौतम, आपकी खातिर हम अपने हॉस्पिटल के उसूल नहीं तोड़ सकते। मिस्टर कीरा, वेरी गुड, वेलकम, थैंक यू वेरी मच डैडी। Thank you.
को देखती नहीं, मैं डॉक्टर अंकल को लेटर लिख रही हूँ। क्या लिख रहे हैं? सिस्टर, किसी का लेटर नहीं पढ़ा करते। सॉरी। थैंक यू। ओहायो गुजाइमास जामा साकिसा। ओहायो गुजाइमास। क्या अले नजले से दो एक बाल सफेद हो गया, उसको निकालता है मसाला डाल के। सबका दाग। सबका दाग। मुझमुझी मुझमुझी आपका दाग आएगा तो गुजाइमस। दोबू 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 डॉक्टर वर्नाबे की चिट्ठी लिखते हैं, मेरी नई दवा तीन मरीजों को इस्तेमाल कर दी, रिएक्शन पता लगने पर खबर देंगे। ये किसकी चिट्ठी? बेबी योकी को की। क्या लिखती है? लिखती है, डॉक्टर अंकल, आप हम सबको बहुत याद आते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना, आलतू फालतू चीजें नहीं खाना, और मिनोडा दीदी से कहना कि वो मेरी तरफ से आपकी एक प्यार भरी पत्ती। बड़ी नोटी है। कितनी प्यारी बच्ची है यूकी, उसकी खुशी पूरी नहीं करोगी? No, 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 no. Now rest. Come on, sleep. जानते हो कितना टाइम हो गया है? 10 o'clock. ओ यासुमी नसाई. Good night. आज की रात ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती। आज की रात
ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं मैं, मगर माने न रूठा दिल। तुम्हें देखो करो कोई बात, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। सुनो मेरी एक बात, मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। लजाए रोशनी तुमसे के ऐसी रोशनी हो तुम। नसीने से हटाओ हाथ, के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, के हमको नींद नहीं आती आज की रात। मारूंगी हूँ। मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना, मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। सुलाने मौत भी आए तो मैं कह दूंगा फिर आना। अभी तो तुम हो मेरे साथ, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये कैसी रात, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती।
मनोडा। पुट डाउन गौतम प्लीज। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? देखो ये डॉक्टर बता दे करता है, उन्होंने लिखा है मेरी दवा कामयाब है, कहते हैं ये दवाई नहीं चमत्कार है, चमत्कार। हाँ जी चाहता बस उसका अस्पताल पहुँच जाऊँ। यमासाकी, ओ यमासाकी, सामान बांधो हम टोक्यो जाएंगे। मनोडा मनोडा, ये खुशी के मौके पे आंसू, ये आंसू भी अजीब चीज है गौतम, गम और खुशी दोनों में इंसान का साथ देते हैं। मनोडा तुम्हारा प्यार अगर मेरा साथ नहीं देता तो मुझे जिंदगी में यह खुशी कभी नसीब ना होती। बाबू आज दुनिया भर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कौन सी दुआ दूं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। थैंक यू सर। कैसे याद फरमाया आप? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। किस बात का शुक्रिया? डॉक्टर तुमने हमारे चांद को ग्रहण से छुड़ा लिया है। चांद ग्रहण? जी मैं कुछ समझा नहीं। मिनोडा मेरी दुनिया का चांद ही तो है, इसी की बदौलत मेरी जिंदगी में उजाला है, मगर इस चांद पर बीते हुए दिनों का गम ग्रहण की तरह छाया हुआ था और इसकी हर खुशी में मुझे उदासी की झलक नजर आ रही थी, मगर अब कुछ दिनों से इसकी तबीयत में मुझे जमीन आसमान का फर्क महसूस हो रहा है और इसके होठों पे दिखावे की नहीं बल्कि सच्ची मुस्कुराहट दिखाई देती है। ये सब तुम्हारी बदौलत है गौतम। इज्जत अफजाई का बेहद शुक्रिया, मगर मैं तो ये समझता हूं कि आपकी मोहब्बत बोल रही है। नहीं डॉक्टर, ये अल्फाज मेरे नहीं मिनोडा के हैं जी, और एक बाप की हैसियत से मैं चाहता हूं कि ये मुस्कुराहट उसके होठों पर जिंदगी भर खेलती रहे, जो सिर्फ तुम्हारे बस में है। मुझे विश्वास है डॉक्टर कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। गौतम मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है बेटे, नाज है। बोला आज इस घर में एक बहुत बड़ी कॉकटेल पार्टी होगी। डियरेस्ट Thank you.
लेटर है? पिताजी। क्या लिखा है? ना ही जाना तो अच्छा है मनोदा। क्यों? तुम्हें दुख होगा गौतम। काश हमने उन्हें खत न लिखा होता। समझी, मुझे पहले ही शक था। क्या? मैं पराये देश की हूं ना? नहीं मनोदा, ऐसी बात नहीं। तो फिर? दरअसल मेरे पिताजी के दिमाग में बरसों से अपनी होने वाली बहू के लिए तसव्वुर बसा हुआ है। वो चाहते हैं उनकी बहू खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी आंखों को देखकर हिरण शर्मा जाए, जुल्फों को देखकर घटाओं को पसीना आ जाए, जिसकी गर्दन सुराहीदार हो, आवाज में कोयल की झंकार हो। और वो लड़की इतनी बुद्धू हो, इतनी कमसिन हो, नादान हो, भोली हो कि मजाक ही मजाक में फूट फूट के रोने लगे। मजाक? और नहीं तो क्या? अब ये सारी खूबियां साबित करने के लिए क्या मेम साहब को आईना दिखाना होगा? पहले मत बुझाओ, पिताजी ने क्या लिखा है? क्रूक, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज। काजल भरी आंखों में हया देख रहा हूँ, काजल भरी आंखों में हया देख रहा हूँ, मासूम अदाओं में वफा देख रहा हूँ, मासूम अदाओं में वफा देख रहा हूँ। मिलते नहीं दुनिया के हसीनों में ये अंदाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज। सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज। लकीरों में जो तकदीर तू ही है,
लिखी है लकीरों में जो तकदीर तू ही है, पहली ही मुलाकात में सब खुल गए थे राज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज़, सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज़, जिस राह से गुजरूं तू मेरे साथ रहेगी, जिस राह अब तेरे सिवा कौन बनेगा मेरा हमराज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज़, सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा नाज़। Congratulations. Thank you, doctor. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Please sit down. Congratulations, Dr. Uncle. Oh, darling, mine. Thank you very much. Dr. Uncle, आप मुझे अपनी शादी पे जरूर ले चलोगे ना? अरे अपने बेटे को नहीं ले चलेंगे तो शादी कैसे होगी? Promise? Promise. हाँ सी, Dr. Uncle, मैं आपकी शादी में नाचूंगी, गाऊंगी. God bless. Yes, Dr. Gautam here. Thank you, Doctor. Come in. It is Dr. Watanabe. There's an emergency meeting. He wants us. Please come. Friends, अभी-अभी हमें एक emergency खबर मिली है कि अब से कोई 5 घंटे पहले टोक्यो के नॉर्थ वेस्ट में तकरीबन 200 मील दूर एक गैर आबाद जजीरा जिसका नाम यासीमा है उसके पास समंदर में एटम बम का टेस्ट किया गया था और बदकिस्मती से मच्छरों की एक कश्ती उस एटमी फिजा की जद में आ गई। इतला के मुताबिक अंदाजन 50-60 मच्छेरे जख्मी हालत में बुरी तरह से घिरे हुए। तो फिर देर किस बात की है? हमें उनके रेस्क्यू के लिए फौरन जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर गौतम, लेकिन इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी वहां कोई रेस्क्यू पार्टी नहीं जा सकती। मगर क्यों? इस वक्त उस जजीरे पर एटमी बादल भयानक रूप में छाए हुए जो किसी वक्त भी बरस सकते। जब तक वो बादल छट नहीं जाते जाहिर है कि वहां जाना इंतहाई खतरनाक है। मगर ये भी तो मुमकिन है डॉक्टर, तो बारिश आने से पहले हम उन्हें बचा लाने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये भी तो नामुमकिन नहीं कि वक्त हमें इसकी मुहलत ही न दे। और डॉक्टर बतना दे, ये बहस का वक्त नहीं, मेरे जाने का इंतजाम किया जाए प्लीज। लेकिन डॉक्टर गौतम, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उनकी भी तो जिंदगी और मौत का सवाल है डॉक्टर। मैं रेस्क्यू पार्टी लेकर जरूर जाऊंगा, मगर कम से कम मिस्टर अकीरा से तो इजाजत ले लीजिए। डॉक्टर, फर्ज किसी इजाजत का मोहताज नहीं होता। लेकिन मैं पूछती हूँ, आपने उनको जाने क्यों दिया? मिस मिनोडा, हमारे लाख कहने पर भी वो नहीं माने। ओह, अब ना जाने क्या होगा डैडी। डोंट वरी मिनोडा, डोंट वरी, वी कैन कांटेक्ट हिम ऑन द वायरलेस, कांट वी डॉक्टर? आई थिंक दैट्स राइट, दैट्स राइट। Thank you.
इंसान के बनाए हुए बादल आज मैं पहली बार देख रहा हूं जो सिर्फ मौत की बरखा करते हैं। उफ, कितने खतरनाक हैं ये। यस, डॉक्टर गौतम स्पीकिंग। हाँ गौतम, गौतम तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां बहुत खतरा है। ओ गौतम प्लीज अब भी लौट आओ। डोंट वरी मनोड़ा, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। मैं दूर से आइलैंड को देख रहा हूँ, बादल बिल्कुल छट चुके हैं, आसमान साफ है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता गौतम, वहाँ पहुँचते ही मुझे खबर कर देना। ओ डियर, डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म यू। जो लोग जिंदा है उन्हें फौरन अस्पताल में जाना चाहिए। दिस इज बहुत सीरियस है। लेट्स पिक द मैटर। यस डॉक्टर। हरि अप। नर्स, कम विद मी। हेलो डॉक्टर गौतम स्पीकिंग। गौतम, गौतम इस वक्त तुम कहाँ हो? हम आइलैंड पहुंच चुके हैं मिनोटा, अब बहुत जल्दी पेशेंट्स को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। गौतम तुम फौरन लौट आओ वरना। घबराओ नहीं मिनोटा, यहाँ कोई खतरा नहीं। गौतम, वेदर रिपोर्ट के मुताबिक बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। प्लीज गौतम, तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो इस तरह। जल्दी वापस आ जाओ। घबराओ नहीं मनोटा, हम बहुत जल्द यहाँ चलने वाले हैं। Thank you.
कौन रही है? हेलो, हेलो डॉक्टर गौतम, आने वाली है, कुछ नहीं होगा डॉक्टर, नहीं होगा, सिर्फ एक आदमी बाकी, आगे मैं उसे लेकर आता हूं, आप चलने की तैयारी कीजिए।
स्टार्ट दी बोर्ड प्लीज। गौतम को वापस आए हुए पूरा एक दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक ये भी जानने का मौका नहीं मिला कि उस खतरनाक बारिश का क्या असर हुआ है ऊपर। अब आप ही समझाइए ना कि अपना ध्यान रखें, ये ऑपरेशन तो और भी डॉक्टर कर सकते हैं। हाँ, मगर वो किसी की बात माने तब ना, तुम तो जानती ही उसकी आदत, वो कभी अपना काम किसी हालत में अधूरा नहीं छोड़ता। वो तो ठीक है डैडी, लेकिन न जाने की मुझे डर सा लग रहा है। सभी जल रहे हैं। क्या मुझे दिखाई क्यों नहीं देता डॉक्टर? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता डॉक्टर? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? अंधा हो गया डॉक्टर, हो गया। नो नो डा, वक्त क्या होगा? 8:30 दिन के या रात के? दिन के। मनोड़ा, 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 कहाँ? मनोड़ा, मनोड़ा, ना, ना मनोड़ा, तुम रोने क्यों लगे? इसलिए ना कि मेरी आंखें नहीं देंगी। अब मैं दुनिया को तुम्हारी आंखों से देख सकता हूं। देख भी तो रहा हूं, दिन बहुत खूबसूरत है ना, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, माउंट फूजी की सतह बर्फ
इस रोशनी में सुर्ख नजर आ रही है। देखो वो देखो मनोटा, एक बादल का छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल फूजी के ऊपर आकर रुक गया है, जैसे जैसे आंख भरकर भगवान की बनाई हुई खूबसूरती देख रहा हो। जिंदगी कितनी हसीन है, कितनी जिंदा है ना मनोटा, है ना? बस करो गौतम, बस करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मतलब, इससे पहले कि भगवान मुझसे बोलने की शक्ति भी छीन ले, मुझे बोलने दो, मुझे अपने साथ बातें करने दो। नहीं गौतम, नहीं, नहीं, नहीं। I'm sorry, Mr. Akhil. केस इतना सीरियस है? जी हाँ, ये सदमा हम पर किसी वक्त भी टूट सकता है। मेंडोडा, सुना तुमने? गौतम की तबीयत पहले से काफी अच्छी है। छोटी तसल्ली का शुक्रिया डैडी। तुमने सब सुन लिया? क्या सोचा था, क्या हो गया? आज ही तो तुम दोनों की शादी का दिन था, इसे मालूम था कि आज ही के दिन सब खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म नहीं हुआ डैडी, मैं और गौतम जन्म जन्म के साथी हैं, और जन्म जन्म के रिश्ते कभी नहीं टूटते। मिनोडा। जी डैडी, गौतम जैसा भी है, जिस हालत में भी है, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। गौतम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं मनोटा कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। ऐसी बात मुझसे नहीं निकालती मनोटा। आज तक तुमने बिन मांगे मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरी जिंदगी की झोली भी छोटी हो गई है। अगर आज आज पहली बार मैं तुमसे खुद कुछ मांगना चाहता हूं। मेरी जान ले लो गौतम। नहीं मनोटा, एक वचन, एक वादा करो मेरे साथ। तुम शादी कर लेना, हाँ कह दो,
हाँ कह दो मनोटा। मैं वादा करती हूँ अच्छी हो बेटा, भगवान करे तुम्हें जिंदगी की हर खुशी नसीब हो। क्या बनोटा, क्या कर रही हो बेटा? अपना वादा पूरा किया है। हा? तुम्हारे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर लिया है। मनोटा, नहीं, नहीं, नहीं। गौतम, शायद तुम्हें याद नहीं, आज हमारी शादी का दिन है। नहीं 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 मनोटा, नहीं, ये शादी नहीं, तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा। जिंदगी ने मौत का काम बता दिया गौतम। हाँ बिनोदा, हो सके तो मेरे आंसू से अपनी मांग का सिंदूर धो डालो जो तुम्हारा सुहाग थी। मेरे सुहाग को गाली मत दो, मेरा सुहाग अमर है। भगवान की बनाई हुई सारी कायनात मिट सकती है लेकिन मेरा सुहाग नहीं मिट सकता। बिनोदा, मेरे अच्छे गौतम, अपनी मिनोटा को प्यार से अपने सीने से लगा लो, मुझे स्वीकार कर लो मेरे देव। भगवान की भी अच्छी लीला है मिनोटा। एक दिन मैं देख सकता था मगर तकदीर का लिखा पढ़ नहीं सकता था। आज आज मेरी तकदीर मेरे सीने से लग गई है, उसे देख नहीं सकता। अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। जिस राह से गुजरूं तू मेरे साथ रहेगी, आखिरी दम तक भी मेरे पास रहे। अब तेरे सिवा कौन बनेगा मेरा राज, तेरी हर एक बात पे मुझको है बड़ा। Come and see Dr. Gotham for a while. Oh, Dr. Gotham, I'm afraid you can't see him. उनकी तबीयत बहुत खराब है। हमें मालूम है और इसलिए हम उनसे मिलने के लिए बेचैन हैं। इस वक्त उनकी जबान से निकली हुई चंद अल्फाज शायद मेडिकल साइंस को नहीं रोशनी दे सकती। मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी। मेरे सांसों की डोर मेरे शक्ति टूट जाए,
मैं उन अभागों से माफी चाहता हूँ जिनका दर्द जो यहाँ खींच कर लाया था, मगर अफसोस मन के दर्द की दवा नहीं बन सका। अगर मेरी कमजोर सी आवाज दुनिया के उन महापुरुषों तक, उन नेताओं तक पहुंच सके जो आज इंसान की तकदीर के मालिक हैं, तो इंसानियत के नाम पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो एटम बम का बनाना हमेशा के लिए बंद कर दें और एटम की इस महान शक्ति से भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत धरती को और खूबसूरत बना दें। यकीन मानिए, ऐसा हो सकता है सिर्फ आपस के विश्वास और प्यार से, वरना अगर शक और नफरत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान अपने हजार साल इतिहास के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुदरत के हसीन नजारे जलवा कर होंगे, अगर उन्हें देखने वाली कोई आंख ना होगी। दुनिया को बनाने वाला खुद खून के आंसू रोएगा, मगर उन आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं होगा। राम अपनी जिद पूरी कर ली ना, आज तूने इस पगले की बात को माना होता। कौन सा मुंह लेकर जा रहे हो अपने बूढ़े बाप के पास? बोलो। भगवान, तूने क्या क्या जुल्म नहीं ढाए इस पत्थर को रुलाने के लिए, मगर मैं कभी नहीं रोया और आज भी नहीं रहूंगा।
डॉक्टर गौतम हमारे हैं, 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 डॉक्टर गौतम हमारे हैं। सुनते हो डॉक्टर बाबू, कितना चाहो थे दिल में एक दिन अपनी छोटी सी बिरादरी इकट्ठी करके तुझे दूल्हा बनाऊंगा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी बड़ी बिरादरी का दूल्हा बनेगा। ये मेरे नसीब है, तू मेरा बेटा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो अर्थी उठाने वाले चार कंधों में से एक कंधा तुम्हारा होगा। फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। छूटा है हमसे कोई तो मनाओ, के रूठा है हमसे कोई तो मनाओ, के रूठा है हमसे, नजर मेरे बाबू को किसने लगाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन ये नफरत के जज्बों में हरगिज न बहना, मेरी बात सुन लो गले मिल के रहना, जलती चिता से ये आवाज आई,
आवाज आई।